भगत तुलसीदास जी, भगत तुलसीदास जी, उनके मन में ख्याल आया कि मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा करके आऊं, दर्शन करके आऊं, तीर्थ यात्रा करके आऊं। उनका अपना डेरा है, बहुत सारे शिष्य हैं, सबको छोड़कर वो चल पड़े तीर्थ यात्रा पर। भैंस से बोलिए धन गुण। जगन्नाथपुरी जाकर दर्शन किए, जगन्नाथपुरी जहां पर गुरु नानक पातशाह ने ये आरती उच्चारण की, घर से बोले गन गुरु नानक, गगन में थाल रव चंद दीपक, वहां पर ये आरती उच्चारण की थी गुरु नानक पातशाह ने जगन्नाथपुरी में। भगत तुलसीदास जी दर्शन करके जब वापस आने लगे तो देखा बाहर कुछ लोग मूर्तियां बेच रहे हैं, भगवानों की, शिव भगवान की, कृष्ण भगवान की मूर्तियां बेच रहे हैं। जो ही उन्होंने एक से भाव पूछ लिया कि ये शिव जी की मूर्ति कितने की है, तो उस आदमी ने उसका मूल्य बता दिया कि ये है मूल्य। तो भगत तुलसीदास जी बहुत हैरान हुए कि इतना कम मूल्य, हमारे यहाँ तो बड़ी महंगी मिलती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, क्यों ना कुछ मूर्तियां यहाँ से खरीद लूं और वहां जाके बेचूं। उनके मन में ख्याल आया और उन्होंने कुछ मूर्तियां खरीद ली। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो भगत तुलसीदास जी, एक बात यहाँ पर थोड़ी समझा दूं मैं, थोड़ा खोलकर, महापुरुषों के वचन है, जो जितना भगवान के नजदीक होता है ना, जितना नजदीक होता है, भगवान उसे भटकने नहीं देता, हाथ पकड़कर बचा लेता है। घर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो गलती कर भी दे उसका भगत तो उसे बचा लेता है। अब यहां पर तुलसीदास जी ने मूर्तियां खरीदी, वहां पर भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनके डेरे में पहुंच गए। डेरे पर जाकर कहते हैं, भगत तुलसीदास जी हैं, मुझे उनके दर्शन करने। सेवादार कहने लगे, भगत जी तो जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए हैं दर्शन करने। वो ब्राह्मण ने कटाक्ष किया, कहने लगे, वो दर्शन पे नहीं गए, यात्रा पे नहीं गए, वो तो व्यापार करने गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो तो मूर्तियां खरीदने गए हैं, सस्तियां खरीद के लाएंगे, महंगी बेचेंगे, वो यात्रा पर नहीं गए। ब्राह्मण ये कहकर चले गए। अब जब भगत तुलसीदास जी वापस आए, आकर आदमी पूछता ही है, कोई आया था क्या, कोई बात हुई क्या, तो सेवादार ने बताया कि ये लोग आए थे, पर एक ब्राह्मण आया था जिसने पहले तो कहा मुझे दर्शन करने हैं, फिर खुद ही कहने लगा कि वो तो व्यापार करने गए हैं मूर्तियां खरीदने, वो यात्रा पर नहीं गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो तीर्थ यात्रा पर नहीं गए हैं। भगत तुलसीदास जी को उसी वक्त होश आ गए, समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं, भगवान खुद आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को, उसकी गहराई को समझ गए, भगत थे, गलती हो गई। ध्यान देना, दास जो बताना चाहता है, हमारी नजर में ये गलती है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमारी नजर में तो ये कुछ भी नहीं, पर भक्तों की नजर में और भगवान की नजरों की बात कर रहा हूं। अब भगत तुलसीदास जी ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, कहा मैं मूर्तियां वापस देने जा रहा हूं। अब कोई ब्राह्मण आए पूछे तो सबसे यही कहना कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब भगत तुलसीदास जी चले गए मूर्तियां वापस करने। फिर से भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके आए, पूछा भगत तुलसीदास जी कहां पर है। शिष्यों ने कहा वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं जगन्नाथपुरी। भगवान कहने लगे, वो तीर्थ यात्रा पर नहीं गए हैं, वो तो मूर्तियां वापस करने गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जब भगत तुलसीदास जी वापस आए तो पूछा तो कहा ब्राह्मण आए थे, वो ब्राह्मण देवता, उन्होंने फिर यही कहा कि इस बार भी वो तीर्थ यात्रा पर नहीं गए हैं, वो मूर्तियां वापस करने गए। अब भगत तुलसीदास जी ने कहा, इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने जा रहा हूं, ना कुछ लेकर आऊंगा ना कुछ लेकर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बार ब्राह्मण देवता आए तो बताना उन्होंने क्या कहा।
भगत तुलसीदास जी गए केवल खाली हाथ, वहां पर गए दर्शन किए वापस आए, पूछा, कहने लगे हाँ ब्राह्मण देवता आए थे और बड़ी प्रसन्नता से कह के गए हाँ इस बार वो तीर्थ यात्रा पर जगन्नाथपुरी के दर्शन करने गए थे। प्यार से बोले धन गुरु नानक। क्या शिक्षा मिली इससे? बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, चाहे हरमंदिर साहिब जाओ, चाहे कहीं भी जाओ तीर्थ यात्रा पर, अगर नाम जपने के अलावा, दर्शनों के अलावा आपका कोई और उद्देश्य है तो वो तीर्थ यात्रा है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यहाँ पर कैसे रखते हैं, मुझे इतने लोग मिलते हैं यहाँ पर, बाबा जी हरमंदिर साहब दर्शनों को जा रहे हैं, उसके बाद कश्मीर जाएंगे घूम के आएंगे, आने के टाइम फिर यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये घूमने का बहाना होता है। दर्शन तो बीच में आ गए क्योंकि रास्ते में आ गया हरमंदिर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ यात्रा नहीं, तीर्थ नाम है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन कि कैसी वो तीर्थ यात्रा अगर यहाँ पर आपका घर पे ढाई घंटे का नेम है, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो आपका नेम 10 घंटे का नहीं हुआ, 4 गुना नहीं बढ़ा, तो किस बात की तीर्थ यात्रा? ना यहाँ पर रहते हो, घर गृहस्थी संभालते हो, दुकान संभालते हो, कितने घंटे आपके काम में जाते हैं, अब तीर्थ यात्रा पे कुछ नहीं करना पड़ रहा, केवल दर्शनों के लिए जा रहे हो, पर नेम वही का वही है जितने जपजी साहब जी के पास घर पे करते हो उतने ही यात्रा में कर रहे हो, तो कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे अच्छा तो घर में बैठ जाओ। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो और गाने सुन रहे हो फिल्में, कोई लाभ नहीं, घर में बैठ जाओ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। या तो फिर ये मत कहो कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, अब घूमने जा रहे हो, इसका कोई फल नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसीलिए तो शब्द उच्चारण किया, साच कहूं सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कहां पयो जो दो लोचन मूंद के, बैठो बक ध्यान लगायो, नहात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो, दास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहूं सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो, प्रेम क्या है? बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, जहाँ नेम है वहीं पर प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो आपका नित्यनेम नहीं बढ़ा, रास्ते में ताश खेलते हुए जा रहे हो, बातें करते हुए मस्ती मजाक करते हुए जा रहे हो, कोई लाभ नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं है वो। तीर्थ यात्रा का मकसद एक है, तीर्थ नाम है, नाम। तीर्थ यात्रा पे आपका नेम 4 गुना कम से कम बढ़ना चाहिए, कम से कम। एक बैन लगा के जाते हैं घर से, पाशा में तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरे से सेवा लेना कि आने तक, जाने आने तक मेरे कम से कम 250 पाठ श्री जपजी साहब जी के एक्स्ट्रा हो जाए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। 51 पाठ सुखमणि साहब जी के एक्स्ट्रा हो जाए इतने दिनों में, ये हो नेम। फिर बाबा जी कहते थे, बाबा जी के वचन, तू बाद में पहुंचेगा हरमंदिर साहब, गुरु रामदास जी पहले तुझे उड़ीक रहे होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर जो इच्छा लेके जाओगे वो इच्छा पूरी भी करके आओगे, क्योंकि आप जा रहे हो तीर्थ यात्रा, वहां पर जाकर कोई बिजनेस का काम करने जा रहे हो साथ में दर्शन कर लिए, नहीं, तीर्थ नाम है।